भगवान राम की श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब भक्त देश के किसी भी कोने में भगवान राम का प्रसिद्ध प्रसाद नैवेद्यम लड्डू ग्रहण कर सकते हैं। राजधानी पटना स्थित महावीर मंदिर में बनने वाले नैवेद्यम लड्डू को डाक विभाग अब देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए तैयार है। इस पर देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। अगर महावीर मंदिर पटना की पहचान है तो नैवेद्यम लड्डू महावीर मंदिर की। घी, बेसन, केसर और मेवे से बने प्रसाद नैवेद्यम का स्वाद जिसने एक बार लिया उसे वह ताउम्र याद रखता। बीते 25 सालों से बन रहे नैवेद्यम के स्वाद, शुद्धता और पवित्रता का हर व्यक्ति कायल है। भक्त जन महावीर मंदिर में प्रसाद के रूप में नैवेद्यम चढ़ाने के बाद इसे मिठाई के रूप में घर ले जाते हैं। कहते हैं सभी मिठाइयों का स्वाद एक तरफ और भगवान को भोग लगाने के बाद नैवेद्यम का स्वाद एक तरफ। डिपार्टमेंट के सहयोग से ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो लोग मांगेंगे उनको हम लोग भेजा करेंगे जी। ऐसा नहीं है कि उनके पोस्ट ऑफिस में हम लोग बिक्री के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा नैवेद्यम है या तो ये भगवान को चढ़ाने के लिए है या भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद है, जो कोई मंगाएगा तो हम भेज सकते हैं जी। बाकी बिक्री के लिए हम कहीं नहीं दे सकते। इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए महावीर मंदिर संस्थान और भारतीय डाक विभाग ने अनोखी पहल की है। इसके तहत देश के किसी भी हिस्से में यह लड्डू भेजने की व्यवस्था की गई है। इसका जिम्मा डाक विभाग ने उठाया है। नैवेद्यम को घर बैठे मंगवाने के लिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली में है, मुंबई में है या बाहर भी है, वो यदि हमारे यहाँ मांगते हैं कि हम हनुमान जी का प्रसाद थोड़ा चाहिए, आधा किलो, एक किलो, दो किलो, जितना मांगेंगे तो लोग पोस्टल डिपार्टमेंट के सहयोग से उसको। कर्नाटक की देसी गायों की घी से तैयार नैवेद्यम लड्डू पूरी तरह से शुद्ध है। इसकी शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय की ओर से भोग सर्टिफिकेट दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के महज 10 मंदिरों के प्रसाद को ही ब्लेसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड भोग का प्रमाण पत्र मिला है, जिसमें पटना के महावीर मंदिर का नाम भी शुमार हो गया है। ब्लेसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, ये भोग नाम से लोग चलाते हैं। अभी सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा, ये भोग उनका है। मेरी जानकारी में शायद तीसरा चौथा देश का मंदिर है जिसके प्रसाद की जांच इन लोगों ने करवाई है, और जांच करवाने के बाद हम लोग उनकी कसौटी पर खड़े उतरे हैं, इसलिए सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है। जिस तरह पटना के महावीर मंदिर ने रामलला के मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा राशि चंदे के रूप में देकर बिहार का गौरव बढ़ाया है, वैसे ही इस मंदिर का प्रसाद देश के कोने कोने में जाकर सूबे की अलग पहचान दिलाने में सफलता हासिल करेगा। नेशन न्यूज के लिए पटना से राजीव कमल की रिपोर्ट।